नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आपको एक दिन में कितना वजन कम करना चाहिए। 100 ग्राम या 100 ग्राम से कम, मतलब महीने का 3 किलो या 3 किलो से कम। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि वजन कम करने के लिए हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं कैलोरी डेफिसिट के। तो हम 800 कैलोरी या उससे कम का डेफिसिट रखते हैं तो ठीक है। 800 कैलोरी का डेफिसिट आप रखोगे तो आप रोज का, तो आपका रोज का 100 ग्राम वजन कम होएगा। और आप अगर रोज का 100 ग्राम वजन कम करोगे तो 30 दिन के महीने में आपका 3 किलो वजन कम होएगा। तो 800 कैलोरी या उससे कम का डेफिसिट रखना ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा डेफिसिट होता है तो आपकी बॉडी ज्यादा बड़े डेफिसिट को पसंद नहीं करती। मतलब अगर आप ज्यादा बड़ा डेफिसिट करोगे तो आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो 1000 कैलोरी से ऊपर का डेफिसिट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा मैं कि आप जाओ 1000 कैलोरी तक भी या उसके ऊपर। मैं कहूंगा कि 800 है उसके अंदर ही रहो। 700-500 कैलोरी का डेफिसिट रख सकते हो, 800 का रख सकते हो। मैं खुद 800 कैलोरी का डेफिसिट रखता हूँ अपने लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिसिट रखोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है, आपकी मसल लॉस हो सकता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कम खाते हो तो आपकी बॉडी मसल को तोड़ करके उसी से ही ऊर्जा निकालने लग जाती है। और जो आपकी जैसे शुरू में आप अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो नॉर्मल इंसान अगर 800 कैलोरी का डेफिसिट बनाता है उसका महीने का 3 किलो कम हो रहा है। पर जैसे जैसे आप पतले होते जाओगे वैसे वैसे आपका महीने का जैसे हो सकता है आप 2.5 किलो ही कम कर पाओ, 2 किलो ही कम कर पाओ। कारण यह है कि आप ऐसे 3-3 किलो करके खुद को एकदम जीरो पे तो नहीं ला सकते ना, खत्म तो नहीं कर सकते ना। आपकी बॉडी रेजिस्ट करने लग जाएगी, रोकने लग जाएगी और वजन कम करने के लिए। तो आपकी जो वजन कम करने की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी। जो बहुत मोटे लोग होते हैं वो जैसे 100 किलो के हैं, 125 किलो के हैं, 130-140 किलो के हैं, वो लोग शुरू में बहुत ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। उनका वजन कम हो जाता है काफी जल्दी क्योंकि उनकी बॉडी चाहती है वजन कम करना, क्योंकि उनकी बॉडी जितना वजन रखना चाहती है उससे वो ज्यादा वजन पे उनका वजन जल्दी कम हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी चाहती है कम वजन कम करना। पर धीरे 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 वजह से वो भी एक नॉर्मल इंसान के मोटापे के लेवल पे आता है। तो उनको भी लगभग ऐसे टारगेट रखना चाहिए कि 800 कैलोरी का डेफिसिट या उससे कम का डेफिसिट रखें। तो जब अब इसके बाद में आप कभी भी अपना डाइट प्लान बनाओ या कोई भी आपको ट्रेनर डाइट प्लान दे तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से करीब 800 कैलोरी या उसके अंदर के डेफिसिट पे हो, ज्यादा से ज्यादा 1000 कैलोरी के डेफिसिट पे हो, इससे ज्यादा के डेफिसिट पे नहीं हो। पर मैं पर्सनली कहूंगा कि 800 कैलोरी से ऊपर का डेफिसिट करो ही मत। और अगर आप ऐसे डेफिसिट रखते हो तो आप हर एक दिन आपको 100-100 ग्राम का फर्क नहीं दिखेगा। कई दिन मिल जाएंगे तो आपको एक साथ में, मान लो जैसे 5-6 दिन बाद आपको हो सकता है एक साथ में 300-400-500 ग्राम या 600 ग्राम का फर्क दिख गया, या कई हफ्तों बाद, 1-2 हफ्ते बाद में आपको एक साथ में फर्क दिख गया। तो ये मैं बताना चाहता था कि एक दिन का आदमी को कितना वजन कम करने की तरफ एम करना चाहिए। मैं कहूँगा कि 100 ग्राम, मतलब 800 कैलोरी या का डेफिसिट या उससे कम का डेफिसिट, 100 ग्राम या उससे कम वजन कम करने की तरफ आदमी का टारगेट रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें अगले वीडियो में